हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका स्वागत का मित्र, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो चलिए आज हम मिलकर बनाएंगे नवरात्र की सात्विक थाली। कैसे बनाएंगे ये जानने के लिए बने रहिए स्वागत के सफर में। चलिए दोस्तों मिलकर बनाते हैं कुट्टू और सिंघाड़े के आटे की रोटी। सबसे पहले हम लेंगे एक कप सिंघाड़े का आटा। अब हम शामिल करेंगे इसमें एक कप कुट्टू का आटा। कुट्टू और सिंघाड़े की रोटी को मुलायम बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम ग्रेटेड बॉइल्ड पोटैटो। ये आलू है उसको घिस लिया था मैंने। इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा डालेंगे इसमें सेंधा नमक और साथ ही डालेंगे इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें। अब हम सभी सामग्री को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू में मॉइस्चर होता है तो इसलिए सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके हिसाब से हम पानी को इसमें ऐड करेंगे। हम धीरे धीरे करके थोड़ा पानी डालेंगे और इसको टाइट गूंथ लेंगे। रेगुलर आटे की तरह हम इसको गूंथ लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा टाइट रखेंगे। आटा अच्छी तरह से गूंथ चुका है ये देखिए। चलिए हम फटाफट इसकी रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फ्लोर को डस्ट। आटे की लोई को लेकर उसको हाथों से ही बेलना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इसमें चकले बेलन की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से पाम का यूज कीजिए और इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब हम इसको रखेंगे फ्लोर पर। ये देखिए फ्लोर पर भी हम इस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। घबराए बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छी रोटी बनकर तैयार होगी। ये देखिए अगर आपके किनारे फटते हैं तो आप उसको इस तरह से उंगलियों से ठीक कर सकते हैं। ये देखिए इतनी आसानी से रोटी बढ़ गई है। ये देखिए कितनी बड़ी रोटी बनकर तैयार हुई है और वो भी बिना चकला बेलन के। तो चलिए अब उसको रोटी को सेक लेते हैं। तब अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं, चलिए अब उस पर रोटी डाल देते हैं। रोटी के एक तरफ से सिकने तक हम वेट करेंगे। रोटी एक तरफ से सिक चुकी है, चलिए इसको पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है रोटी का और रोटी आप देख सकते हैं कहीं से टूटी नहीं है। अब हम इस पर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा देसी। अब हम इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। दूसरी तरफ भी थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे। देसी घी लगाने से एक तो रोटियां सॉफ्ट हो जाती हैं और दूसरा कुट्टू के आटे का डाइजेशन भी इजी हो जाता है। ये देखिए रोटी फूल भी रही है, चलिए इसको फ्लिप कर देते हैं। रोटी दोनों तरफ से अच्छी तरह सीख चुकी है, चलिए अब इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी की रोटियां भी तैयार कर लेते हैं। एक कप कुट्टू का आटा और एक कप सिंघाड़े के आटे से हमने चार रोटी तैयार कर ली है। ये देखिए साइज में कितनी बड़ी रोटियां हैं ये देखिए। चलिए अब हम इसके साथ में खाई जाने वाली आलू की सब्जी तैयार करते हैं। आलू की सब्जी बनाएंगे हम देसी घी में। तो एक पैन में थोड़ा सा देसी घी डाल लेंगे। घी गर्म होते ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और जीरे को तड़कने देंगे। जीरा तड़क चुका है, चलिए अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू जिसको मैंने मैश कर लिया है। इसमें डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा डालेंगे इसमें सेंधा नमक, साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ी सी काली मिर्च जिसको मैंने कूट लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। व्रत में जब आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो खाना बनाना आसान हो जाता है। मैंने आलू को बॉईल कर लिया था और उसको पहले से ही मैंने तैयार करके रख लिया था और उसी आलू का यूज़ किया है मैंने इन आलू की सब्जी बनाने में और कुछ आलू का यूज़ किया है मैंने कुट्टू और सिंघाड़े की रोटी बनाने के लिए। आलू को चूंकि हमने बॉईल कर रखा है तो इसलिए ज़्यादा कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हार्डली 5 मिनट की कुकिंग में आपके ये आलू बनकर तैयार हो जाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं कुकिंग करते हुए, तो चलिए अब हम लास्ट में फाइनल डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा नींबू। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जीरा आलू के ही या फिर आलू का चोखा बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसको बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं एक बाउल में। रोटी बन गई, सब्जी बन गई, तो चलिए फटाफट बनाते हैं रायता। रायते के लिए हम लेंगे एक कटोरी दही। दही फ्रेश लीजिए।
दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर आपकी दही खट्टी है तो इसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं, लेकिन मैं दूध मिला रहा हूँ इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक, साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालिए तो इसकी खुशबू अभी से आने लगी है। अब हम लगाएंगे इसमें तड़का देसी घी का। तड़का हमने लगा दिया रायते में, रायता भी तैयार हो गए। तो चलिए अब हम थाली को सजा लेते हैं। हाँ जी मेरे स्वाद के मित्रों, ये देखिए नवरात्र की साफिक थाली झटपट बनकर तैयार हो गई है। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके।